बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दूसरे वीडियो के साथ मैं हूँ अब्दुल यमीन। आज का मौजू मेहनत और उम्मीद पर है। मेहनत और उम्मीद क्या है, ये इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है? देखो दोस्तों, मेहनत एक ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ हासिल करने के लिए और हर मकसद पूर्ण के लिए शर्त है। हर इंसान के लिए मेहनत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट है उसके साथ, जो ये स्टूडेंट लाइफ है उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में मेहनत किया तो उसके आगे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो सकता है, मुश्किल से दूर। अगर उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में मेहनत नहीं किया, वो वक़्त फजूल ज़ाया किया, तो उसके आगे ज़िंदगी बहुत सख्त हो सकता है। तो दोस्तों, मेहनत करना है। और ये कभी भी मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं पायलट नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं कहना है। क्योंकि जो बन गई है, जो डॉक्टर बन गई है, जो पायलट बन गई है, जो इंजीनियर बन गई है, वो कैसे बन गई है? वो वजह सिर्फ क्या है? मेहनत की। उन्होंने मेहनत किया है, आज बन गई, आप देख रहे हो। आप तो मेहनत कर, खुद से उम्मीद रख। देखो, मेहनत और उम्मीद एक दूसरे पर इन्हिसार करता है। मेहनत के लिए उम्मीद ज़रूरी है और उम्मीद के लिए मेहनत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि मैं मेहनत करता हूँ लेकिन खुद से उम्मीद नहीं है कि मैं वो बन जाऊँगा, फिर भी नाकामी। अगर आप कहोगे कि मैं उम्मीद रखता हूँ लेकिन मुझसे मेहनत नहीं होगा तो फिर भी नाकामी, ऐसा नहीं कहना। ऐसा कहना है कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं खुद से उम्मीद रखता हूँ, इंशाल्लाह मैं वो बनूंगा, फिर कामयाबी। तो दोस्तों, मेहनत और उम्मीद दूसरों को भी तरगीब दो, क्योंकि उसके ज़िंदगी भी आसान हो जाए, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाए। और इसके साथ साथ वीडियो आगे शेयर करो, पेज फॉलो करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।